मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फराली सेव पूरी। सबसे पहले हम सेव पूरी के लिए फराली पूरी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बड़े से बाउल में राजगीरा और मोरैयो का आटा लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे, जीरा और सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें जरूरत के मुताबिक पानी ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सामग्री की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डो तैयार है, अब हम इसे बेल के पूरियां तैयार कर लेंगे। गोले को हम सूखे आटे से कवर करेंगे और इसे बेल लेंगे। अब हम इसमें से पूरियां कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने राउंड कुकी कटर लिया है, आप इसकी जगह पे बाटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। कट की हुई पूरियों को हम प्लेट में निकालेंगे। और बचे हुए आटे को हम फिर से रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियां तैयार कर लेंगे। फॉक की मदद से हम पूरी में 3 से 4 बार छेद कर लेंगे, जिससे फ्राई करते वक्त हमारी पूरी फूले नहीं। पूरी को फ्राई करने के लिए हम तेल को मीडियम आंच पे गर्म होने रखेंगे। गर्म तेल में हम पूरियां फ्राई कर लेंगे। पूरियों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पूरियां तैयार हो गई है, इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। अब हम सेव पूरी तैयार कर लेंगे और इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। फराली पूरी जो हमने फ्राई करके तैयार कर ली है, फराली सेव, इसकी रेसिपी आप मेरी चैनल पे फराली चिवड़े की रेसिपी में देख सकते हो। बॉइल्ड और स्मैश किए हुए पटेटो, फाइनली चॉप किया हुआ कुकुम्बर, फाइनली चॉप किए हुए टमाटर्स, आप इसकी जगह पे इन्हें स्लाइस करके भी इस्तेमाल कर सकते हो और इन वेजिटेबल्स की जगह पे आप अपनी पसंद के कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हो। इमली की मीठी चटनी, हरी तीखी चटनी, इन दोनों चटनियों की रेसिपी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाट मसाला और फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया। तैयार है, ये बहुत टेस्टी बनी है। आप भी ये रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।